दानिश एंड आयजा एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन और आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और जनाब रैपिड फायर है और दानिश से पहले शुरू करेंगे क्या? नहीं, जरा प्रैक्टिस हो जाती ना उनको पता लग जाता किस तरह वैसे है तो वही सवाल जो हमेशा होते हैं लेकिन जरा रिपीट कर लेते हैं। सही है, एक दो बातें तो हम पहले कर भी चुके हैं। अच्छा ये सुना है कि अगर आयजा और आप में बहस हो जाए तो खामोश आप हो जाते हैं और ये बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा बोलती हूँ कि ज्यादा मतलब बहस लेकिन वो होता है कि इन द एंड जो है मैं ही मनाने जाती हूँ। इतने सालों में मैं ये सीखा हूँ कि चुप रहने में जितनी बात बीवी के सामने चुप रहने में ज्यादा बड़ी बात ज्यादा इज्जत बढ़ती नहीं है फिर और ज्यादा और बढ़ती नहीं तो वही रुक जाती है। यही बात अगर बीवी सोच ले फिर ये मुझसे उस तरह लड़ती नहीं है मैं आपको बताऊं। हाँ, आराम आराम से नहीं लड़ाइयां हमारी ना शादी से पहले इतनी ज्यादा हो गई लेकिन वो मेजर लड़ाइयां नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ओके जबरदस्त। अच्छा सुना है आप हुमायूं से इधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। बहुत अच्छी तो नहीं कोशिश कर लेता हूं करके दोनों में से किसी एक की नवाजुद्दीन की कर लेता हूं। ओके अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनका एक वोकल टोन है खास जैसे वो मैंने अक्सर देखा अक्सर फिल्मों में वही होगा वो दरवाजे पर कोई बाबा आया करे मेरे को सल्लू से मिलने का क्या बोले मैं उसको सब वो तो मेरे को छोटे ही कान पे चमाट मार दिया साहब बहुत तेज मारा मेरे को आप मेरे को बताओ मैं उसको ऐसा मस्त जवाब देकर आएगा बस आप बस मेरे को बताओ ऐसे ब्यूटीफुल यार वेरी नाइस जबरदस्त प्रैक्टिस होती है घर में प्रैक्टिस नहीं देखते हैं ना तो वो चीज इसलिए दानिश ने सुनी कोई बात और ऐसे ही बोल देते हैं बचपन से थोड़ा सा मिमिक्री की तरफ था ये टैलेंट किसी किसी में होता है कि आप मिमिक अच्छा कर सके किसी को तो बहुत है। अच्छा मेरे अंदर जो हिडन टैलेंट है ना उसमें बहुत कम लोगों को पता है मिमिक्री वाला तो है ही। एक और चीज है कि जितने बॉलर्स हैं क्योंकि मैं यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट मैं सारे बॉलर्स की जो उस जमाने में थे 2000 में और 1990s में जो मेरे फैन में जिनका फैन रहा हूँ वसीम भाई हो गया वकार भाई हो गया मैं उन सब का एक्शन कॉपी कर सकता हूँ एग्जैक्ट। That's wonderful. और एक बात और थी कि मैं राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों फास्ट बोलर हूं। क्या बात है यार क्या जबरदस्त बात है। अच्छा ये टैलेंट हमने कभी स्क्रीन पे देखा नहीं है वैसे कभी मौका नहीं मिला लेकिन मैं ये जरूर दिखाऊंगा ये छोड़ के रखे वो होता ना कभी कभी अपने गेम शो में दिखाऊंगा गेम शो ऐसे चलेगा वरना रमजान में जो है दानिश का ये होता था कि रात भर क्रिकेट पे होते थे वो तो शहरी में घर आते थे और की मिमिक्री करती है ऐसा नहीं करती कभी भी नहीं की नहीं मेरा नहीं किसी कभी नहीं किसी मैं तो बड़ा ऑब्जर्वेंट था बचपन से मैं चीजों को देखता था अच्छा ये यूं है ओके बस 20 मिनट के अंदर वो आ गया कैरेक्टर जबरदस्त उसके बाद फिर कौन सी फिल्म छोड़ने का बहुत पछतावा है यार पछतावा मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं होता जो मेरी किस्मत में होता है ना मैं उसको अगर छोड़ भी रहा हूँ मुझे वो करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताता हूँ एक जमाने में एक सीरियल आया मेरे पास और वो मैं और आयजा ने साथ करना था बहुत ही ज़बरदस्त सीरियल हम बड़े एक्साइटेड दोनों शूटिंग डेट्स कंफर्म हमें एडवांस दिया हुआ शूटिंग से चार दिन पहले वो आते मेरे घर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं सॉरी हम शूट पे नहीं जा सकते। अच्छा उस जमाने में 6-7 साल पहले हम बहुत काम करते थे टीवी के लिए तो अब 25-30 दिन जो हमने उनको दिए थे वो आपने काम नहीं करना है और सॉरी हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट नहीं है तो हम जा नहीं सकते। यार मैं क्या करूंगा मैंने तो आपको दी भी डेट्स तो ने कहा यार सॉरी अब अगर मैं जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं मैंने की वेकेशन प्लान तो क्या जो हमारा नुकसान किया भाई वो क्या अब मैं उनको क्या बोलता हूँ घर वो आए रिक्वेस्ट देके तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसी रात मुझे जलेबी मिल गई थी मेरी पहली मूवी और मजे की बात ये थी उन्होंने मुझे कॉल किया सर ये स्क्रिप्ट है और अगर आप एक दफा सुन ले मैंने कहा सुनाइए। अच्छा फिल्म्स का ये होता है कि हर कोई इतना सीरियस नहीं होता फिल्म्स के बारे में आप जानते हैं इस बारे में कि कोई लोग आएंगे कुछ लोग और वो कहेंगे हाँ ये वाली फिल्म है फिर वो 2 हफ्ते के बाद नहीं होंगे। ये लोग आए मैंने भी सुना अच्छा सुनाइए क्या स्क्रिप्ट है मुझे स्क्रिप्ट लगा के बड़े मजे का। इन्होंने कहा सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमें डेट्स जो है ना वो फॉरन चाहिए और वो आपकी एग्जैक्टली वही डेट्स थी। सो एवरीथिंग व्हिच हैपेंस इन योर लाइफ फॉर बेटरमेंट प्री प्लान्ड यस प्लान किया होगा आपने। अब मुझे लगता है जो चीज मैंने जिंदगी में अल्लाह ताला से मांगी है ना वो अगर पीछे जाती भी है तो वापस मेरे पास आती है अगर मुझे जैसा होता सच्चे दिल से मांगते हैं
जैसे कोई स्क्रिप्ट, यही जो बात कर रहे हैं तो ये खत्म हो गई, दानिश फिल्म कर रहे थे, मुझे बड़ा, मैं दूसरा ड्रामा कर रही थी, अच्छा उन्होंने भी शुरू कर दिया, फिर बाद में कुछ अरसे बाद जाके सालों बाद एक प्रोजेक्ट वो शुरू कर दिया, एक्टर भी उनके साथ कर रहे थे वो लोग काम उस प्रोजेक्ट पे, बीच में अचानक से मुझे कॉल आई कि हमें तुम चाहिए हो। मैंने कहा अब कैसे चाहिए हो, मैं तो नहीं अवेलेबल नहीं, जो एक्टर है हम लोग नहीं, वो हम बस हम उस कैरेक्टर में हमने उसको सोचा, आपको ही सोचा हुआ था। मैंने कहा तो सोचा होता है तो फिर आप, मतलब उस वक्त बोलते हैं ना, अभी आप ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब लोग मेरे दोस्त हैं, तो आप किसी एक्टर को निकाल रहे हो कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, 10 दिन का काम कर दिया, और आज मैंने कहा ये मेरे दोस्त हैं, चाहिए यार अल्लाह ताला ने आपके लिए सबसे अच्छा प्लान किया है बस। और दानिश टाइम्स कभी ऐसी, ये जनरल एक बात करूं, कभी ऐसा ही कॉल आ जाए ना कि फला अपने लाइक अपनी ही कैटेगरी में जो एक्टर्स फॉल करते हैं सारे दोस्त यार हैं, अगर आप कम मिलते भी हैं बट यू थिंक गुड अबाउट देम, तो मैं तो फोन कर लेता हूं कि पूछ। अब मैंने आपसे भी एक दो चीजें पूछी, हालांकि मेरी दानिश की कोई बहुत इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जब पूछता तो मैं पूछ लेता हूं कि यार ये एक दो और एक्टर्स को कुछ ऑफर हुआ, मैंने उनको फोन कर दिया, भाई ये तेरे वाला मुझे बोल रहे हैं क्या सीन है, तो वो क्योंकि काम तो यार अपने नसीब से मिलना चाहिए, हम लोग सब भी एक फैमिली बन जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही यार, दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारी फील्ड के अंदर तो बहुत ही। अच्छा हमें भूल गए रैपिड फायर, हम अपनी बात से बात और दास्तानों में चले गए यार। अच्छा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने का पछतावा? यार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं ये दिस इज नॉट, दिस इज अनफेयर, ये कैसा रैपिड फायर, एक नाम तो उनके लिए एक नाम लेना पड़ेगा, नहीं किल कुल नहीं, मुझे लगता है कभी कभी जिंदगी में बुरा काम करना या कुछ ऐसा, देखो मुझे मालूम है मैंने कौन सा प्रोजेक्ट मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तो बता सकता हूँ, मैं तो नहीं बता सकता यार, हम ऑन स्क्रीन तो नहीं बोल सकते कभी भी, क्योंकि बहुत दफा मुझे लगता है हम सोचते हैं यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जाएगा, वो उतना अच्छा नहीं जाता, लेकिन एक बात, हर बुरा प्रोजेक्ट भी आपको एक सीख दे के जाता है कि यार आइंदा ये वाली गलती, और अगर मैं फिर वो गलती करूं तो फिर मैं शायद कैपेबल नहीं हूं ये काम के लिए। अच्छा एक और सवाल ये है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किया हो और फिर खुद ही छोड़ दिया हो? कभी भी अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं। ओके एक दफा मैंने कमिटमेंट कर ली किसी के साथ, उसके साथ मैं एंड तक हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि कभी बीच प्रोजेक्ट से मैं निकल गया, मैं नहीं कर रहा यार, अनलेस कि कोई मेरे साथ बहुत मेजर कोई ऐसा मेजर इशू करे कि किसी के सामने बेइज्जती कर दी आपने, या कोई ऐसी बात कर दी जो किसी और का राइट है और आप कह रहे नहीं यू हैव टू डू दिस बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर, आपको ये करना ही पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली फिर मैं नहीं, फिर उस वक्त नहीं सुनता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ ज्यादती करके और फिर वो प्रोजेक्ट छोड़। सही है, अगला सवाल ये कि गुस्सा अगर आ जाए बहुत ज्यादा तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता? यार मुझे तो आना खत्म ही हो गया, मुझे लगता है शादी से पहले मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया है इस बात को लेकर, ये नॉर्मल बात नहीं है, सही बता रहा हूं, नॉर्मल नहीं है यार, मेरी टीम है यहाँ पे भाई, मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ मुझे 4 महीने हो गए, ये 4 महीने कैसे गुजर गए बोल के साथ, अनबिलीवेबल टाइम है मेरा आप लोगों, दैट्स अमेजिंग यार, ये तो एक वो कहते ना आपने ओवर पावर कर ली एक आदत जो होती है गुस्से की, कभी मुझे लगता है गुस्सा एक होता है कि एक इंसान को बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है, आज भी अगर दानिश के सामने कोई ज्यादती होगी ज्यादती ना करे कोई किसी के साथ, कोई झूठ बोलेगा तो गुस्सा आएगा, सही बात पे गुस्सा आता है जहां पे करना चाहिए, वो नहीं है कि पानी नहीं मिला हुआ तो खाना गर्म नहीं किया हुआ, वो वाला गुस्सा नहीं। अच्छा क्या ये सच है कि मोहल्ले में लड़कों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर भी करते हो और खुद भी खेलते हो उनके साथ? मैं खुद खेलता हूँ, स्पॉन्सर तो नहीं यार वो, लेकिन जमा ये खुद ही करते हैं, उनके साथ खेलता हूँ, जरूरत नहीं है स्पॉन्सरशिप की, तो मैं खेलता हूँ, लेकिन अब नहीं, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, टाइम नहीं मिला, अब टाइम नहीं मिला। आयशा के अलावा कोई ऐसी कोस्टार जिसके साथ काम करने का बहुत मजा आया हो? बहुत मजा आया, बहुत सारी ऐसे जो मुझे लगता है बहुत कि सारी, देखो ऑन स्क्रीन मुझे हमेशा जितनी भी हमारी पैशनेट एक्ट्रेसेस हैं सारी ऑलमोस्ट सभी, नहीं मसलन किसके साथ यार? यार मैंने ये नहीं कहा भाई सबकी तारीफ कर, मैंने नाम पूछा है, आयशा बताएगी किससे अच्छा लगता था? अच्छा मुझे दानिश का तो शुरू में अच्छा लगता था, सनम के साथ अच्छा लगता था, और सनम बलोच के साथ अच्छा रहा, और उसके अलावा दानिश ने भी रिसेंटली किसके साथ किया था, माया के साथ कमर्शियल, तो वो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा मैं एक लड़की का नाम लेता हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है उसका नाम ना काफ़ी कम लोग लेते हैं, और वो इतनी ब्रिलियंट है और इतनी पैशनेट है एक्टिंग के बारे में कि मैंने उससे ज़्यादा पैशनेट किसी को नहीं देखा, उसका नाम है सनम चौधरी। हाँ। मैंने कहा था अब देख खुदा क्या करता है, और एक और उसके साथ प्ले किया था यार, ऑन टाइम आती थी, अपने कैरेक्टर में रहती थी, और वो इतने शौक से करती थी हर एक चीज, यू नो अपना वार्डरोब बनाना, और मैंने इसमें अपना वोकल क्या रखना है, मैंने कब रोना है, कमाल एक्ट्रेस है, जबरदस्त है, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, या शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कोई गैर मौजूदगी में तारीफ करे। अच्छा अगर फॉरेन लोकेशन में पाकिस्तानी मूवी करने का मौका मिले और एक्ट्रेस चूज करनी हो आयशा के अलावा, तो किस एक्ट्रेस को चूज करोगे? ऐसे ये मेरे ऊपर है कि चूज करनी हो? हां
यार मैं कितना खुश हो रहा है कास्टिंग में दानिश का हमेशा वैसे होता है एक्सप्रेशन नहीं देखा मैंने देखा है मैं यहाँ आंखें होती है बीवियों की आपको नहीं पता अपनी बीवी से पूछना नहीं उसको कोई पता नहीं चलता तो वो यार मैं जाना चाहूंगा अलेक्जेंड्रा डेडारियो के साथ ओके मुझे बड़ी पसंद है वही चूज की यहाँ की लोकल कोई नहीं होगी लोकल के साथ भी जा सकता हूँ जैसे आपकी फिल्म्स आती हैं और आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं ना हाँ, कि इस कैरेक्टर में कौन अच्छा लगेगा उस हिसाब से मैं पहले दानिश बताते हैं यार ये कैरेक्टर मतलब ये नहीं बोलते कि ये मेरी फेवरेट है तो इसी को लो लेकिन अलेक्जेंड्रा के साथ अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छा भी नहीं होगा तो मैं ये नहीं बोलेंगे नाम ले भाई नाम ले कोई अपनी एक्ट्रेस का नाम ले अपनी एक्ट्रेस का नाम लूँ यार फिल्म की एक्ट्रेस है ही चार पाँच टीवी का फिल्म में मुझे माया पसंद है ये मुझे लगता है घबराते एक का नाम लूंगा तो दूसरा तो फिर तीसरा मैं नहीं घबराती मुझे पता है मुझे अच्छा लगता है किसी को बुरा ना लगे मैं भी बहुत अच्छी है माया भी बहुत अच्छी है और भी बहुत सारी नई लड़की कभी किसी फैन के साथ लंच डिनर किया मैं अभी तक तो बहुत पहले शादी से पहले हाँ शायद कभी किया हो ना तो उससे पहले भी आपकी जिंदगी थी अब शादी के बाद की एक्चुअली मेरी जिंदगी में ये गलत ये है आयशा के साथ बुला लिया जो के नहीं आयशा के बगैर भी बुला तो यही बातें कर रहा था मुझसे भी आगे क्या था घर से जाने नहीं नहीं आप अगर मुझसे भी सवाल करेंगे तो सबूत दिखा दिया लंच देना या कुछ यार इतना अरसा हो गया मेरा आज तक कोई अफेयर कोई स्कैंडल आया नहीं के अलावा नहीं कभी भी तो इसकी वजह होगी ना कोई यार आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा कोई तो बता डिनर करने का ये मतलब तो नहीं कि आप कोई अफेयर शादीशुदा आदमी अब क्यों जाऊंगा मैं पुरानी बात कर रहा हूं आप गए हैं कभी इन्हीं के साथ जाता था आप गए हैं कभी फैन के साथ नहीं गया लेकिन बहुत सी दोस्तों के साथ गया दोस्तों के साथ पूछिए ना हां तो चलो बता दो वो भी तो फैन भी होते हैं दोस्तों के साथ सब जाते हैं फैन और फ्रेंड्स में बड़ा फर्क है यार दोनों एक साथ अब मैं देखता हूँ ऐसा के सवालात में दानिश इतना बोलता कि नहीं बोलता बच के चलेंगे हम कोई ऐसी ऐसी बच के रहना रे बाबा जी जनाब अब बारी है आयशा की आयशा इन तीन नामों को अरेंज करें बेस्ट एक्ट्रेसेस के हिसाब से महवेश हयात मायरा खान आयशा उमर अच्छा मैं अगर अपनी पसंद देखूं तो मुझे मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने महवेश के साथ भी किया है अच्छा मुझे पहला जब मैंने पहला शो किया था तो माहिरा थी उस शो में तो उस हिसाब से पहली दफ़ा मिली माहिरा से थी तो मुझे माहिरा का एक अच्छा मुझे वो लगता है उसके बाद महवेश से मुलाकात हुई उसके साथ काम के लड़कियां मोहल्ले की तो फिर महवेश उसमें आ गई मेरी जिंदगी की एक्ट्रेस माहिरा आ गई फिर ऐसी फिर मैंने आयशा उमर के साथ शोज किए वो किए तो उससे दोस्ती हो गई तो फिर आयशा उमर भी जिंदगी में आ गई तो उससे सारे लोग आते हैं तीनों ही बहुत टैलेंटेड हैं तीनों ही माशाल्लाह तीनों की अपनी एक वो जगह है जो एक दूसरे से कोई ले नहीं सकता सब माशाल्लाह अपनी जगह पे बिल्कुल सही अच्छा यार ये बड़ा अजीब सा सवाल इन्फॉर्मेशन है कि आपके घर वालों ने जूता छुपाई की रस्म में दानिश का जूता कहाँ छुपाया था मिल नहीं रहा था इनकी अम्मी के बैग में एक्चुअली इनकी अम्मी के बैग में तो वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता तो वहां गया कैसे वहां गया कैसे वहां तक भेजा गया ऐसे थोड़ी जाएगा अच्छा मतलब उनको मैंने कहा शायद उनको भी नहीं पता था शायद इस बात का उनके बैग में तो ये जो इनके लड़के सारे दोस्त और सारे कजिन्स थे वो बाकी सब जगह तो ढूंढ रहे थे अम्मी के बैग में नहीं ढूंढ रहे थे तो कितनी देर बाद मिला था सबको बता दें ये वाला आइडिया काम करता है ओके जबरदस्त बड़े पैसे लूटे इन्होंने भाई अच्छा दानिश के अलावा कोई और ऐसा एक्टर जो वाकई बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगता है कि बाकी यार एहसन खान ये मेरे शो में बैठी बोल रही है नहीं हम बोलते हैं ना एहसन एहसन इज अ गुड लुकिंग गाय यस थैंक यू वैसे यार आपस की बात है गुड लुकिंग इमरान भी बहुत है और भी यसफर भी है सारे बहुत सारे लड़के गुड लुकिंग है पर मुझे अच्छा लगता है अपनी पसंद बता रहे हैं अपनी पसंद बता रही हूँ ना मैं सुना है दानिश की शादी के बाद भी दोस्तों को बहुत टाइम देते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता जवाब देंगे आप या मैं दूं? आप दीजिए आपका हो रहा है जी हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि सारे दोस्तों से मैंने दोस्तों की बीवियों से दोस्ती करके उनके भी जहन भर दिए कि मियाओं को घर से बाहर मत निकालो रात को माहौल इतना वो है क्या है वो रात में वो नहीं आते और मैं कहती हूँ दोस्त के पास नहीं जा रहे आज आप कहते नहीं मैं अच्छा जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हो और बिल्कुल सही है अच्छी बात है वेरी नाइस शादी के बाद स्क्रीन पर गायब हुई क्यों हुई थी गायब बच्चों के लिए हुई थी अब उसमें तो काम नहीं करना था ना मुझे शुरू शुरू में वैसे ही थोड़ा टाइम देना था
मेरा एक्चुअली पहला जो था, ऑब्वियसली शादी के बाद आप नए घर में जाते हैं तो आपको टाइम चाहिए होता है वहाँ पे, तो मैं सोच के गई थी कि शादी के बाद थोड़ा टाइम मैं दूंगी. काम का मैंने नहीं सोचा था, काम का शायद नसीब में था तो वो मैंने कर लिया, वरना सोच के मैं गई थी कि घर, बच्चे, फैमिली, मियाँ, फिर आगे सोचूंगी, उनसे आगे बाद में सोचूंगी. कभी मैं प्लान नहीं करती. तो शुरू में एक ब्रेक लिया बस, सिर्फ इसलिए कि शादी को, घर को टाइम दे सके. ब्रेक ब्रेक बहुत लंबा नहीं था ये. हाँ, मतलब मैंने ये नहीं किया कि ब्रेक कर रही हूँ, बट मैंने कहा मैं शादी कर रही हूँ अभी. हाँ, तो पहले ये जरूरी काम करूंगी, बाद में बिकॉज ये ज्यादा जरूरी काम ऑब्वियसली. और ये सारे काम, बल्कि ये बात मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, सारे काम शादी के साथ साथ हो जाते हैं. जो आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, नहीं यार हम शादी नहीं करेंगे, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं, बट आई थिंक आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना बहुत जरूरी है. यस यस, हर चीज, हर प्रोफेशन में ये जरूरी नहीं कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ. अगर मैं डॉक्टर भी हूँ और मेरा अगर हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा मैं नाइट ड्यूटीज करूँ और ये करूँ, तो मेरा पढ़ाई पिछले सारे साल मेरे बेकार है. बिल्कुल सही, उसके लिए. अच्छा, कभी ये इनसिक्योरिटी हुई, जो कि एक नेचुरल बात है कि दानिश को बहुत सारी लड़कियाँ देख रही हैं और मैं बैठी हूँ साइड पे और ये लड़कियाँ इसके दिल घूम रही हैं. मैं वो देख रही हूँ टेढ़ी नजर से लड़कियां मुझे देख रही तो मुझे बिल्कुल दानिश को इनसिक्योरिटी की, मेरी फैन है यार उधर देख रहा है. नहीं, दानिश को होता है कि मतलब अच्छा ठीक है, दानिश बड़ा इजी डील करता है. दानिश को नहीं वो होता ना मैं घबराती हूँ. अच्छा, मुझसे मेरे पास लड़के आने से जरा घबराते हैं, वो भी दानिश को ऐसे देखते हैं कि दानिश के जरा पता नहीं क्यों डरते हैं. फिर वो भाग जाहिर है जब, या ये थोड़ा सा है ना कि दानिश का एक मुक्का वक्का पड़ गया, नहीं, से कैसे के लिए बात आते हैं ना तो वो बड़ा घबराते हैं अगर दानिश आसपास कहीं घूम रहे हो तो. ये भी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है. अच्छा, सच बताना, आर यू अ बेटर एक्ट्रेस यू थिंक और दानिश इज अ बेटर एक्टर? मुझे लगता है हम दोनों कोशिश अच्छी करते हैं. बेटर आप नहीं बोल सकते. अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है दानिश का काम बहुत अच्छा है. दानिश मेरे जैसा काम नहीं कर सकता. मैं दानिश, मैं लड़की नहीं बन सकता. घूम फिर के वही बात है कि दोनों बस एक दूसरे को बचा रहे हैं. अच्छा बोल तो दानिश, अच्छा चलो चलो ये बोल दो. नहीं सच बोल, आप अच्छा एक्टर, एहसान खान इज अ वंडरफुल एक्टर. नहीं मुझे लगता है, मुझे तो सारे एक्टर, मैं बता रहा हूं आपको, थैंक यू यार, बहुत अच्छा काम है, बड़ा वर्सटैलिटी आपके काम का. थैंक यू वेरी मच. बट स्टिल आई वुड स्टिल आस्क दानिश, यू टेल मी द ट्रुथ, डू यू एट टाइम्स फील कि आयजा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है? हां, नहीं लगता. अब मैं यही दानिश को कहती हूँ कि मुझे नहीं आता काम, मैं तो दानिश के सीरियल से सीखती हूँ. दानिश को पूछता है ये कैरेक्टर ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ. काम ऐसा है कि हम सीखते हुए ही जाते हैं. मुझे लगता है हर वक्त सीख रहे हैं. कभी कभी मुझे लगता है मुझे आ ही नहीं रहा कुछ. कभी डायरेक्टर आपको बता रहा होता है वो बात, आप वो कहते हैं नहीं ये नहीं नहीं वो चीज़, आप वो एक्सप्रेशन वो फील नहीं आ. अभी लास्ट में प्रोजेक्ट इतना कर रही थी तो बहुत पॉजिटिव करते करते नेगेटिव में आपको समझ नहीं आता. तो आप सीखते हैं नए एक्सप्रेशंस अपने एक्सप्लोर करते हैं. चेंज और जंप करना भी थोड़ा मुश्किल होता है एक्टर के लिए, बट एट टाइम्स आप कर सही रहे होते हैं, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, दूसरे को ठीक लगा. बिल्कुल सही, ये भी होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं मे बी. बिल्कुल. अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि प्रोजेक्ट साइन कर लिया और फिर उसके बाद जब दूसरी कास्ट देखी और पूरा सेटअप देखा तो कहा यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो कैसे उससे निकलते हो? अच्छा मुझे तो बहुत बार हुआ है दानिश, ये हंस रहा है इस बात पे कि ये हो चुका है बहुत बार. मैं इस बात की हूँ कि मुझसे जो कमिटमेंट आपकी हुई है आप उसी तरह रहो. अगर ये मैं बोल देती हूँ ये बात कि देखें अगर आप एसन को ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट में तो मैं एसन को पूछ लूँगी, एसन तुम कर रहे हो तो हमारी फिर पीछे जो है ना बहुत सारी प्लान करना शुरू कर देते हैं. अच्छा हम ये करेंगे, लोग ऐसे करेंगे, फिर उसके बीच में आप बोलो एसन को पता ही नहीं है ये बात और वो कोई और एक्टर हो गया है, तो मैं नहीं करूँगी उस प्रोजेक्ट को. सो वो वाले मसले जहाँ होते हैं वहाँ पे कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सच बोलें. बिल्कुल सही है. अच्छा जी, ये बताएं कि शोबिज में होने का सबसे बड़ा फायदा? मुझे तो पासपोर्ट की लाइन में नहीं लगना पड़ा कभी. अच्छा, शोबिज में होने का सबसे बड़ा नुकसान कि मैं जैसे नॉर्मली लोगों की होती है. एक नुकसान ये है कि मैं बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाती. बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहीं मस्जिद में या कोई ऐसी जगह पे जब वो होते हैं ना दर्स होते हैं या कोई ऐसी जगह होते हैं, वहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते बिकॉज लोग आपको जज करने लग जाते हैं या लोग आपको अलग तरीके से देखना शुरू हो जाते हैं कि लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं. मतलब वो वाली जगहों पे आप थोड़ा सा फील करते हैं बिकॉज इस्लाम मेरा और मेरा अल्लाह ताला मेरे दिल को जानता है हाल को. सो मैं कहीं जा रही हूँ नहीं जा रही, लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि हम सेलिब्रिटीज हैं. अगर हम अभी शो कर रहे हैं तो नमाज तो पढ़ी नहीं होगी, इन्होंने रमजान में शो कर रहे हैं ये लोग. सो वो चीजें मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी बात, यानी किसी को जज करना ही नहीं चाहिए. तो ये आई थिंक हमारे साथ जुड़ गई है उनको करने में, पर हम इससे निकल नहीं सकते मुझे लगता है, तो हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं. मतलब इसको क्लेरिफाई भी नहीं करना चाहिए बार बार, लोगों को जो समझ लगता है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये मेरा स्टांस है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन एक्टर्स कैन बी ग्रेट ह्यूमंस, दे कैन बी ग्रेट मुस्लिम्स आल्सो, तो इसलिए किसी को जज करना ही नहीं चाहिए. मुझे लगता है हमारी जॉब है, जिस तरह आप सुबह 9 to 5 निकल रहे हैं, हम भी अपने घरों से बच्चे छोड़ के हम काम पे निकल के यहाँ बैठे हुए हैं.
सो हमें उसी तरह रिस्पेक्ट का मिलना चाहिए। जबरदस्त जी, आयजा वेरी नाइस, क्या जवाब दिया आयजा ने।